हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बहुत ही जरूरी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि रेलवे जेई भर्ती 2019 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें दो एग्जाम होने वाला है, CBT 1 और CBT 2। अब दोस्तों, CBT 2 से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा कॉमेंट आ रहे हैं, और CBT 2 में जो आपका टेक्निकल पार्ट होने वाला है 100 मार्क्स का, उससे क्वेश्चन आ रहे हैं कि क्या सर जो वो सभी ब्रांच का अलग अलग आएगा, जिस डिपार्टमेंट से हम लोग इंजीनियरिंग किए हैं या डिप्लोमा किए हैं उसी से क्वेश्चन आएगा 100 मार्क्स का, या फिर सभी का मिक्स करके आएगा जैसे कि 2015 में सभी का मिक्स करके आया था। तो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन है दोस्तों, तो इसको फॉर्म भरने से पहले ही दूर कर लीजिए। इस वीडियो में आपको सारा कुछ बता दूंगा, और ऑफिशियली ट्विटर हैंडल पर भी जवाब क्वेश्चन पूछा गया है, उसका भी जवाब आया है। तो चलिए सभी को यहाँ पे देखते हैं। इससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन बटन को भी दबा दें, क्योंकि रेलवे जेई की पल-पल की अपडेट आपको देते रहते हैं इस चैनल पे। कोई भी न्यूज़ नोटिस आता है दोस्तों, सबसे पहले वीडियो लेके आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग घर बैठे बैठे रेलवे जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमें अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हो। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके हमें अनअकैडमी पे फॉलो कर लीजिएगा। वहां पे आपको मैथ्स, जीके, रीजनिंग और करंट अफेयर्स की रेगुलर वीडियो मिलते रहती है। लगभग 15,000 से ज्यादा लोग इसका फायदा घर बैठे बैठे उठा रहे हैं। आप लोग हमें वहां पर्सनली मैसेज और हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, RRB अहमदाबाद का मैं ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पे हूँ, जिसपे 13 घंटा पहले एक लड़का द्वारा क्वेश्चन किया गया था कि सर I am BTech in mechanical engineering. My query is question from technical portion will be from my mechanical branch only for CBT 2, or it will be from all branches like in 2015 JEE exam technical portion consists of questions from all the engineering disciplines. इनका क्वेश्चन था कि सर मैं मैकेनिकल ब्रांच से हूँ, तो क्या मेरा जो क्वेश्चन आएगा टेक्निकल पार्ट में, जो 100 नंबर का क्वेश्चन होने वाला है टेक्निकल पोर्शन में, तो वो क्या सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल ब्रांच से ही आएगा या फिर सभी का मिक्स करके आएगा, जैसे कि आपका 2015 में आया था जेई के एग्जाम में सभी का मिक्स करके। तो इनका जवाब इन्होंने दिया है 11:30 बजे के आसपास कि प्लीज रीड पैरा नंबर 13.2 ऑफ CN इन दिस रिगार्ड। तो दोस्तों, चलिए आपको पैरा नंबर 30.2 लेके चलता हूँ, 13.2 में, और वहां पे आपको सारा कुछ क्लारीफाई कर देता हूँ। तो दोस्तों, हम लोग आ गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन का पैरा नंबर 13.2 में, जिसमें आपको सेकंड स्टेज CBT के बारे में बताया गया है। इसके नीचे आप लोग आइएगा तो टेक्निकल एबिलिटी के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी गई है। द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशनड अगेंस्ट इच पोस्ट सोन इन अनेक्सर ए हैव बीन ग्रुप्ड इनटू डिफरेंट एग्जाम ग्रुप्स एज बिलो। दोस्तों, जो बोला गया है कि जो आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, जो भी, उसको एक ग्रुप में बांट दिया गया है। उसके बाद क्वेश्चन ऑन द टेक्निकल एबिलिटी विल बी फ्रेम्ड इन द सिलेबस डिफाइंड फॉर वेरियस एग्जाम ग्रुप्स गिवेन एट अनेक्सर 7 A B C D E F and G। और बोला गया है यहाँ पे कि क्वेश्चन जो आपका टेक्निकल एबिलिटी से आएगा, जो 100 मार्क्स का, वो किसी स्पेसिफिक जो ब्रांच आपका है या फिर डिपार्टमेंट है वहां से नहीं आने वाला है। क्लियर हो लीजिए, आपका जैसे मैकेनिकल ब्रांच है तो वहां से नहीं आएगा 100 का 100 क्वेश्चन, आपका अगर सिविल ब्रांच है तो वहां से 100 का 100 क्वेश्चन नहीं आएगा, आपका BSCIT है तो वहां से 100 का 100 नहीं आएगा। इसके लिए क्या किया गया है, एक ग्रुप बनाया गया है और 7 ग्रुप बनाया गया है, और जिस ग्रुप में आप लोग बिलोंग करते हो उस ग्रुप का ही सिलेबस से आपको क्वेश्चन आएगा। अब चलिए बताता हूं कि ग्रुप कौन कौन सा बनाया गया है। तो नीचे आइए तो यहां पे आपको दिखाई देगा दोस्तों, इस वाले में सेक्शन में दिखाई देगा। तो पहला जो ग्रुप है आपका ए बनाया गया है, मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग, थर्ड ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग, फोर्थ ग्रुप आपका सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग, फिफ्थ ग्रुप आपका यहाँ पे बनाया गया है प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, सिक्स्थ ग्रुप आपका CMA जो कि BSc वाले कैंडिडेट के लिए है, और लास्ट जो आपका ग्रुप है वो है 7th ग्रुप कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो ये जो ग्रुप आपका बांटा गया है फ्रेंड्स, अब देखिए इस ग्रुप में कौन कौन से लोग आवेदन कर सकते हैं, कौन कौन से लोग इस ग्रुप को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखे हो, डिप्लोमा BTech या BE, तो ये ग्रुप आपको सेलेक्ट करना होगा। प्रोडक्शन इंजीनियरिंग से कर रखे हो तो ये ग्रुप सेलेक्ट करना होगा, ऑटोमोबाइल से तो ये ग्रुप, मैन्युफैक्चरिंग से तो ये ग्रुप, मैकेट्रॉनिक से तो ये ग्रुप, आपको इंडस्ट्रियल से तो ये ग्रुप, मशीनिंग इंजीनियरिंग से तो ये वाला ग्रुप, टूल्स एंड मशीनिंग इंजीनियरिंग से तो यही ग्रुप को, टूल्स एंड डाई मेकिंग से तो यही ग्रुप को, और कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम, इसी का कोई सब स्ट्रीम हो जिसका कंबाइन आप लोग कर सके हो, जो कि यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो भी आप लोग यही ग्रुप आप लोग सेलेक्ट कीजिएगा।
उसी तरह से दोस्तों जो आपका यहाँ पे है, जैसे देखिए इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखे हो तो आप लोग एक ग्रुप सेलेक्ट कर सकते हो, ना कि आप लोग एक ग्रुप सेलेक्ट कीजिएगा। अगर आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है तो फॉर्म भरते समय आपको ये नहीं सेलेक्ट करना है, ये वाला सेलेक्ट करना है इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियर का, या फिर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सब स्ट्रीम आप कर रखे हो इसी से रिलेटेड, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड डिप्लोमा या बीटेक बीई, तो भी आप लोग को यही करना है। इसके बाद यहाँ पे देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग वाले, इंस्ट्रूमेंटेशन वाले, कम्युनिकेशन वाले, कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाले ए वाला यूज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग। ये है आपका इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड और ये है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड। अब मेन मुद्दा पे आते हैं कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा पार्ट बी में, जो टेक्निकल पोर्शन है 100 मार्क्स का क्वेश्चन, वो कैसे पूछा जाएगा। जैसे मान लीजिए आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखे हो तो आपका 100 क्वेश्चन मैकेनिकल से नहीं पूछा जाएगा, आपका ग्रुप वाइज सिलेबस दिया गया है और ग्रुप वाइज ही क्वेश्चन पूछेगा। तो अगर आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखे हो तो इसका जो भी सिलेबस बनता है मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग का, वहां से आपको पढ़ना है। और ये जो है दोस्तों आपका सभी का मिला के दिया गया है सिलेबस। जी हाँ फ्रेंड्स, इस वाले सेक्शन में जितना भी बीटेक वाले आते हैं, जितना भी डिप्लोमा वाले आते हैं, सभी का सेक्शन को मिला के एक सिलेबस इसका प्रिपेयर किया गया है और यहीं से आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन टेक्निकल का पूछेगा। ठीक इसी प्रकार से अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग चूज करते हो तो इन सभी का जितना भी सिलेबस है सभी को मिला के एक सिलेबस इसका बनाया गया है और यहीं से आपके 100 मार्क्स आएंगे। जैसे देखिए कंप्यूटर इंजीनियरिंग से कर रखे हो तो सिर्फ कंप्यूटर इंजीनियरिंग का नहीं पूछेगा, इसमें से जितना भी सिलेबस है सबका यहाँ पे सिलेबस दिया गया है इस सेक्शन में और यहीं से सारा प्रश्न पूछेगा। अब चलिए सभी का पार्टिकुलर मैं सिलेबस बताता हूँ कि किस किस ग्रुप का कितना कितना सिलेबस है। इसी तरह से जो बीएससी वाले कैंडिडेट हैं जिनका केमिस्ट्री और फिजिक्स सब्सिडरी सब्जेक्ट रहा है या फिर मेन सब्जेक्ट रहा है बीएससी में, उनका भी एक अलग ही ग्रुप बनाया गया है सीएमए का और इनका सिलेबस अलग दिया गया है, इनको सिर्फ यहीं से 100 नंबर का पूछा जाएगा। इसी तरह से जो आईटी वाले हैं, जो 50 पोस्ट ए वाले हैं ये सब का, तो इनके लिए भी अलग ग्रुप बनाया गया है और इनका अलग ही सिलेबस दिया गया है और सभी को ये वाला अकेले अकेले क्वेश्चन 100-100 का नहीं आएगा। इस ग्रुप से जो भी भरते हैं उनको यहाँ पे जो इसका सिलेबस होगा यहीं से क्वेश्चन आएगा। अब चलिए पर्टिकुलर मैं सभी का, जो ग्रुप आपका ए बी सी डी ई एफ जी है, सभी का यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि कैसे कैसे आपका सिलेबस दिया गया है। अब फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने सिलेबस सभी का ओपन कर रखा है। जैसे देखिए पहला जो है पार्ट ए में ग्रुप जो बांटा गया है वो ग्रुप ए का, देखें सेवेंथ का ग्रुप ए, तो इसमें आपका सिलेबस फॉर सिविल एंड एलाइड इंजीनियरिंग का है। और इसमें अगर सिलेबस देखा जाए तो देख सकते हो आप लोग सिविल का कितना सारा पोर्शन यहाँ पे दिया गया है, लगभग यहाँ पे दोस्तों लास्ट तक यहाँ पे 24 तक आता है, इतना आपका सिलेबस दिया गया है। और इसमें अब आपको बता दूं क्लियरली कि अगर आप लोग बीटेक किए हो, आप लोग डिप्लोमा किए हो, बीई किए हो, बीएससी किए हो या फिर कोई सब स्ट्रीम आपका है सिविल इंजीनियरिंग का, तो आपका ये सिलेबस बनता है और यहीं से आपको मिक्स्ड पूरा क्वेश्चन आएगा। ना कि अगर आप लोग सिविल में अप्लाई करते हो तो आपका कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग का क्वेश्चन आएगा, ना ही आपका मैकेनिकल का आएगा, ना ही आपका इलेक्ट्रिकल का आएगा, ना ही आपका सीएमए का आएगा, ऐसे नहीं है। अगर आप लोग सिविल के लिए अप्लाई करते हो तो पूरा सिविल का जो ग्रुप बनाया है और सिविल का जितना भी लोग भर सकते हैं, इधर मैंने बताया ऊपर में, वो सारा का एक ही सिलेबस दिया गया है, ये सिलेबस है आपका और इसी में से आपका प्रश्न आएगा और सारा टॉपिक आपको क्लियर करना होगा। इसी तरह से नीचे आते हैं तो आपका बी ग्रुप में आता है कौन दोस्तों, बी ग्रुप में आता है इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग वाले। तो इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग वाले देखा जाए इलेक्ट्रिकल का ऊपर मैं लेके चलता हूँ यहाँ पे, तो सॉरी मैं यहाँ पे पहले बताता हूँ आपको, इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग से जो भी भरेंगे तो उनको इतना सारा सिलेबस दिया गया है, यहाँ तक 11 तक सिलेबस दिया गया है और ये सब पढ़ना है आप लोगों को। इसी तरह से ग्रुप सी में हम लोग देखें तो ग्रुप सी का यहाँ पे बताया गया सिलेबस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड इंजीनियरिंग का, तो इसमें देखा जाए टोटल सिलेबस तो सभी का सिलेबस सेम रहेगा, यहाँ पे बता दिया गया है टोटल 10 तक दिया गया है और सभी को सेम टू सेम पूछा जाएगा। चाहे आप लोग यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग है फिर भी आपको यही सिलेबस रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग किए हैं फिर भी आपका यही सिलेबस रहेगा, कंप्यूटर साइंस किए हैं फिर भी आपका यही रहेगा, जैसा कि मैंने ऊपर में बताया इलेक्ट्रॉनिक्स वाले के लिए। इसके बाद दोस्तों नीचे आते हैं तो आपका यहाँ पे बताया गया है मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग का, तो मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग का ये आपका सिलेबस है दोस्तों, जैसे कि देख सकते हो टोटल सिलेबस यहाँ पे बांटा गया है और पूरा सिलेबस आपको यहीं से आने वाला है। मैकेनिकल में आपको ऊपर ही मैंने दिखाया कि ये वाले ग्रुप में बहुत ज़्यादा लोग अप्लाई कर सकते हैं, मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग वाले ग्रुप में बहुत ज़्यादा लोग थे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो गए, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग हो गए, सभी लोग, और सभी का यहाँ पे
यही सिलेबस आएगा। मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियर का एक परफेक्ट सिलेबस यहाँ पे बनाया गया है ग्रुप वाइज, तो ग्रुप वाइज ही आपका सिलेबस दिया गया है और यहीं से आपका टेक्निकल पोर्शन का 100 क्वेश्चन आएगा, तो सब कुछ आपको पढ़ना होगा। इसी तरह से देखें यहाँ पे दोस्तों सिलेबस फॉर कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो जो ये 50 क्वेश्चन का है, सॉरी 50 पोस्ट वाला है इनका है ये, और यहाँ पे दिया गया है सारा कुछ यहाँ पे टॉपिक, तो इस वाले सेक्शन से आपका आएगा। इसके बाद देखा जाए यहाँ पे दोस्तों तो आपका है सिलेबस फॉर प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, तो प्रिंटिंग वाले के लिए यहां पे सिलेबस दिया गया है। तो इस तरह से आप लोग कह सकते हैं दोस्तों यहां पे सीएमए वाले जो है बीएससी वाले फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले इनके लिए यहां पे सारा कुछ टॉपिक दिया गया है और इन्हीं से प्रश्न आएगा, ना कि आपका जो है यहां पे कंप्यूटर साइंस से पूछ दिया जाएगा या फिर मैकेनिकल से पूछ दिया जाएगा या फिर सिविल से पूछ दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। आपका यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सीएमए से आएगा, जो सिलेबस यहाँ पे ग्रुप वाइज बना दिया गया है वहीं से आपका पूछने वाला है दोस्तों। तो आपको इस वीडियो से पता चल चुका होगा कि यहाँ पे जो सिलेबस आपका है किस तरह से रखा गया है और कैसे कैसे आएगा। पर्टिकुलर आपका किसी एक सब्जेक्ट से नहीं आने वाला, कि आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखे हो तो यहीं से आपको 100 क्वेश्चन पूछ दे, आप लोग सिविल से कर रखे हो तो यहीं से 100 क्वेश्चन पूछ दे, ऐसे नहीं है। एक ग्रुप बना दिया गया है और उस ग्रुप में जो भी सिलेबस है वहां से ही आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे देखिए आप लोग मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रखे हो तो इसी का आपका सिलेबस पूछा जाएगा, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग कर रखे हो तो इसी के सिलेबस से पूछा जाएगा, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रखे हो तो इसी के सिलेबस से पूछा जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग से किए हो तो इसी के सिलेबस से पूछा जाएगा, मशीनिंग इंजीनियरिंग से किए हो तो इसी के सिलेबस से पूछा जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एंड एलाइड इंजीनियरिंग का देखें तो अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग कर रखे हो तो इसी से पूछा जाएगा, आपको इंस्ट्रूमेंटेशन और कंट्रोल इंजीनियरिंग से इसी से पूछा जाएगा क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग वाले हो तो इसी के सिलेबस से पूछा जाएगा, कंप्यूटर इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस वाले का इसी से पूछा जाएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इसी से पूछा जाएगा। इस तरह से आपको मैंने सारा कुछ क्लारीफाई कर दिया है इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके पल पल की अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा हमारे साथ। बाकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए बाय।